Hello student, how are you? Let us start our NCERT book EVS class 4th chapter 1st part 2nd chapter name going to school. हमने अपनी next last video में first part किया था जिसमें हमने different bridge के बारे में पढ़ा था, bamboo bridge, cement bridge, pulley, trolley के बारे में पढ़ा था. आज हम आगे का part करेंगे. आज हमारे पास first point है वल्लम. वल्लम इन केरला. वल्लम क्या है? इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज़ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल. छोटी लकड़ी की बनी बोट को क्या बोलते हैं? वल्लम है. बच्चे इस वल्लम में बैठकर अपने स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस. हैव यू एवर सीन अदर काइंड ऑफ बोट? कहते क्या आपने किसी अन्य प्रकार की बोट देखी है? तो आपने भी देखी होगी, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई स्टीमर है, कोई इस तरह की. तो आप यहाँ पे लिखोगे येस आई हैव सीन पैडल बोट एंड मोटर बोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? कहते क्या आपके पास और भी कोई साधन है जिसके द्वारा पानी में पानी से जा सकते हो या पानी को क्रॉस कर सकते हो? तो आप कहोगे येस वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर बाय शिप, स्टीमर एक्सेट्रा. नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कैमल कार्ट. कैमल कार्ट कहाँ मिलती है? राजस्थान. We live in the desert. There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. कहते camel cart कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं. तो कहते हैं कि यहाँ पर चारों ओर रेत ही रेत होती है, दिन में बहुत गर्मी होती है और हम इसके ऊपर बैठकर अपने स्कूल जाते हैं. आपको पता है रेत होती है, रेत में हर चीज़ दस्ती है, लेकिन जो कैमल होती है उसके पैर इस प्रकार से बने होते हैं उसके फुट कि वो रेत में धंसते नहीं है, वो आसानी से चल सकता है. इस करके कैमल कार्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान यानी डेजर्ट एरिया में. इसीलिए कैमल को और क्या कहा जाता है? कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा हैव यू एवर सेट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कार्ट कैरियर्स यानी टोंगा? वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट यू yourself or did someone help you? कहते क्या आपने कभी किसी कैमल कार्ट की सवारी की है या घोड़े गाड़ी की सवारी की है? कहाँ और आपको कैसा लगा या किसने आपकी उसके उस पर चलने में मदद की? तो आप कह सकते हो येस आई सेट इन अ कैमल कार्ट इन माई विलेज. गाँव में मैंने अपनी इसकी सवारी की हुई है. माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम अप. मेरे पापा ने मेरे को उसमें चलने में मदद की. नेक्स्ट है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? Also share your experience in your class also. कहता आपको उस पर कैसा महसूस हुआ, मज़ा आया या नहीं आया उसके बारे में बताओ. तो आप कह सकते हो द कार्ट शेक्स अ लॉट वाइल मूविंग. जब ये चलता है तो बहुत शेक करता था. आई इन्जॉयड द राइड वेरी मच. लेकिन मुझे उसकी राइड करने में बहुत मज़ा आया. नेक्स्ट हमारे पास है बुल कार्ट. अब बुल कार्ट क्या है? वी राइड इन आर बुल कार्ट going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrella. कहते हैं कि हम अपनी कार्ट में बैठकर जाते हैं जी, धीरे धीरे खेतों में से, हरे हरे खेतों में से निकलता हुआ जाता है. जब बहुत सर्दी और बहुत तेज सूरज गर्मी होती है और या बरसात होती है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. यानी कि ये जो बुल को कार्ट है ये कहाँ यूज़ होता है? प्लेन जगह के ऊपर यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास है डू यू हैव बुल को कार्ट वेयर यू लिव? कहते क्या आप जहाँ आप रहते हो आपने बुल को कार्ट देखा है? येस या नो, आप जो भी कह सकते. अगर देखा है तो आप कहोगे येस, नहीं तो नो. डज इट हैव ए रूफ? क्या इसकी रूफ होती है? किसी किसी की होती है और किसी में नहीं होती. तो आप बोल सकते हो सम ऑफ देम हैव रूफ्स बट मोस्टली दे आर विदाउट रूफ. वट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? इनके व्हील्स, इनके पहिए कैसे होते हैं? तो इसका जो पहिया होता है वो लकड़ी से बना होता है और बड़े बड़े होते हैं. तो बोलेंगे दे हैव लार्ज वुडन व्हील्स विद आयरन रिंग्स. अब आपने इसकी एक पिक्चर अपनी नोटबुक में बना ली है. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा साधन है? बाइसिकल राइड, साइकिल के द्वारा जाना. वी राइड आर बाइसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. कहता हम स्कूल जाने के लिए एक सड़क, बड़ी सड़क पे साइकिल के द्वारा जाते हैं, बड़ी सड़क से साइकिल द्वारा जाते हैं. एट फर्स्ट गर्ल हियर डिड नॉट गो टू स्कूल. शुरू में यहाँ जो लड़कियाँ थी वो नहीं जा स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वॉज सो फार, यह बहुत दूर था. बट नाउ ग्रुप ऑफ सेवन
और 8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। कहते अब 7 से 8 लड़कियां इस मुश्किल सड़क से आराम से साइकिल से जा सकती हैं। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू राइड ए बाइसाइकिल, क्या आपने कभी एक बाइसाइकिल चलाया, इफ़ येस हु टॉट यू टू राइड, और किसने आपको ये साइकिल चलाना सिखाया है, तो आप कह सकते हो येस आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, माई फादर टॉट मी टू राइड। आपको जिसने भी सिखाया हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम टू बाइसाइकिल टू योर स्कूल, कितने बच्चे आपके स्कूल में साइकिल पे आ सकते हैं, जितने भी आते हैं जितने आपको पता आप लिख सकते हो। अबाउट 15 to 20 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल इन माई स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास है जुगाड़। वट ए व्हीकल गुजरात, ये जुगाड़ एक व्हीकल है और जो आपको कहाँ मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। अगर देखो तो इसका आगे से फेस मोटरसाइकिल है और पीछे लकड़ी का एक घाट लगा हुआ है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड पुट 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 व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरियज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। कहता है कि ये जो हमें व्हीकल दिख रहा है ये जब चलता है तो पुट पुट की साउंड करता है, और ये क्या आगे से तो ये मोटरसाइकिल जैसा लग रहा है, पीछे इसके ऊपर लकड़ी का काट लगा हुआ है। ये स्पेशल कोई बनाया नहीं जाता है, लेकिन हम जुगाड़ अपने हिसाब से इसको बना लेते हैं, और पीछे इसके लकड़ी का बक्सा लगा होता है जिसमें हम अपना सामान या कई जने इसके ऊपर बैठ सकते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, कहता है क्या आपने ऐसा व्हीकल अपने एरिया में देखा है, देखा है तो यस कर दो, नहीं देखा तो आप नो करोगे। वट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, अगर आपने अपने ऐसे व्हीकल देखे तो उसको आप क्या बोलते हो, तो आप कह सकते हो वी कॉल देम बाइक वैन और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इसको हम बाइक वैन भी, जिसके बाइक के पीछे वो कैरिज लगा होता है उसको वैन बोल दिया, बाइक वैन कहते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई, कहता आपको इस तरह के किसी के ऊपर साधन के ऊपर चढ़ने में मज़ा आएगा, और क्यों, तो आप कहोगे यस इट विल बी ग्रेट फन टू राइड इट, हमें इसके ऊपर चढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्या तुम बता सकते हो इसको हम जुगाड़ क्यों कहते हैं, तो आप कह सकोगे द जुगाड़ हैज़ बीन मेड अप बाई यूजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ अदर व्हीकल्स, ये भिन्न पार्ट से बना होता है, अलग अलग पार्ट से किसी का कुछ लगा के बनाया जाता है, इस करके इसको जुगाड़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब देखिए बच्चे जंगल क्रॉस करके भी अपने पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कई जगह पे हमारे इंडिया में कई जगह घना जंगल आ जाता है, तो अब वो देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, कहता है हमें एक घने जंगल से होकर स्कूल जाना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, कहते इतना जंगल होता है कि वहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँचती। इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट देयर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत वातावरण होता है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स, आपको केवल वहाँ पक्षियों की आवाज़ें और किसी एनिमल्स की जानवरों की आवाज़ें सुनती हैं। आगे वो लिखता है हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस, कहते क्या आप कभी ऐसी प्लेसेस पे गए हो या यहाँ से गुजरे हो, तो आपने बताना है यस हम गए हैं का इन द नेशनल पार्क। आप कुछ भी लिख सकते हो भी, अगर आप गए हो तो यस, नहीं तो नो, यस इन द नेशनल पार्क, जब मैं नेशनल पार्क गया था तब मैंने ऐसा सीन देखा था। नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो, अब स्नो पे चलना, स्नो मीन्स होता है बर्फ, बर्फ पे कैसे चला जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू मिल्स ऑफ स्नो, कहता हम अपने स्कूल पर काफ़ी मिल स्नो पर चल के जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, कहते हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए और बड़े ध्यान से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो जो है सॉफ्ट है, आवर फीट सिंक इन टू इट, हमारे जो पैर हैं इसमें धंसते हैं। वैन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, और जब वो जमी होती है तो हम उसके ऊपर स्लिप कर जाते हैं और हम गिर सकते हैं।
Have you ever seen so much snow? Where is film or somewhere else? कहते हैं क्या आपने इतनी ज़्यादा बर्फ़ कहीं देखी है, फिल्मों में देखी है, कहीं और देखी है? तो आपने जहाँ भी देखी हो सकती है, हम कह जहाँ भी देखिए आप बता सकते हो. Yes, I have seen so much snow in films. हाँ मैंने बहुत सारी फिल्म कहाँ पर देखी है, स्नो हम वहीं पर देखते हैं फिल्म में. नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई आप सोचते भी इन प्लेसेस पे क्या हर समय बर्फ़ रहती है? तो आपने बताना है. तो आप कहोगे येस सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, इस प्लेसेस पे हमेशा बर्फ़ होती है. नेक्स्ट हमारे पास है रॉकी पाथ. रॉकी होता है पथरीला, जहाँ पत्थर पत्थर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है. ये हमें कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड. हमारी उत्तराखंड स्टेट में इस तरह की जो जो रास्ता है वो पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है. क्या बता रहे हैं? वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन. कहते हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, अनइवन सरफेस, प्लेन सड़क नहीं है. जो लोग प्लेन में रहते हैं उन्हें इस जगह पे चलने में दिक्कत आती है, लेकिन हम आसानी से इसके ऊपर नीचे भागते हुए इसको पार कर जाते हैं. नो मैटर वेदर देयर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन और स्नो, ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल. कहते हैं कोई चीज़ हमें मुश्किल नहीं करती है, चाहे घना जंगल है, चाहे खेत हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे बर्फ़ है, हम किसी भी तरह करके स्कूल पहुंच जाते हैं. यानी कि हमने स्कूल जाना है तो जाना है, हम अपना स्कूल मिस नहीं करते हैं. डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल? कहते क्या आपको अपने स्कूल के रास्ते में कभी कोई डिफ़िकल्टी आई है? अब आप लोग तो प्लेन्स में रहते हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आती, तो आप लिख सकते हैं नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे ऑफ माई स्कूल. विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? तो कहता है आपको कौन सा मंथ अच्छा लगता है, जिस कौन से मंथ में आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? तो आप लिखोगे, आप कह सकते हो आई लव गोइंग टू स्कूल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बिकॉज इट इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट इन दिस मंथ. क्योंकि इस मंथ में ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, इस करके हम ये मंथ हमें अच्छा लगता है. तो इट इज़ ऑल फॉर टूडे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.